हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज खरना है और खरना के देख सकते हो आप लोग इतने सारे बर्तन निकले हुए हैं बाहर, दूध भी आ गया है और ये नया गैस चूल्हा यहाँ लगा हुआ है। और पापा जा रहे हैं गेहूं पीसने देने के लिए। तू भी जाएगी साथ में? दादू के साथ आरू भी जाएगी? और कर में और काम अलग। ज्यादा दूर गए, चल तू भी अंदर काम पे लग जा। और ये गैस चूल्हे पे सिंदूर लग गया है, इतने सारे दूध आ गए हैं यहाँ पे। ये खरना के प्रसाद के लिए बनेगा, ये गुड़ वाला है ना? हाँ। ये गुड़ वाला बनेगा इससे, और ये बाकी प्रसाद बनेगा। ये केले का पत्ता भी आ गया। अच्छा, वो खोल देना ना। ठीक है, मैं अभी अभी जस्ट नहा के आई हूँ। बाल देख सकते हैं आप लोग, मेरा पूरा गीला है, भीगा हुआ। तो टाइम पे आ गई, नहीं तो मेरा तो ये ब्लॉग ही मिस हो जाता। तो ये जो खीर बन रही है ये चीनी वाली खीर है, और ये प्रसाद बांटने के लिए जो सारे लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है वो लोग आएंगे, उनके लिए ये प्रसाद बन रहा है। खीर में डालने के लिए मैंने पूरा एक नारियल घिसा, क्योंकि सिर्फ खीर में ही नहीं, दूसरे दिन ठेकुआ बनेंगे घर में, तो उसके लिए भी मैंने अभी ही घिस के अच्छे से रख दिया। तो खीर में देख सकते हो आप लोग, उबाल आ गया बहुत अच्छे से। और अब चीनी देख के ये फाइनल टच हो गया है हमारा खीर, अवश्य उतारने के प्रोसेस में। ये अब ये लोग आ गए हैं मार्केट से, मार्केटिंग करके, और आरू के साथ डांस में लगे हुए हैं। दोनों भाई हेलमेट पहन पहन के डांस कर रहे हैं। कैसे दिख रहे थे हेलमेट में, ओह माय गॉड। सन्नी एकरा उमरे रखी ने, नमक हाथ में रखने छे। ज्यादा इतना झटहा नहीं बना दीजिए, कहीं पढ़ो। झटहा नहीं बना, कहाँ से गन्ना लाए आप लोग? गन्ना महंगा, ये सीता बस कहाँ से? मन वाल
मत करे कभी फोन पे चल और ये शाम के लिए यहाँ पे साफ सफाई चल रही है। अच्छे से साफ करो, अच्छे से साफ करो, हैं? हाँ देखो तो सारा चप्पल जूता भी भिगा दिए। और अब खरना का प्रसाद जो होता है उसका जो नैवेद्य लगाया जाता है ना, तो वही लगाया जा रहा है यहाँ पे। रोटी घी में चुपड़ी हुई और खीर केले, तो ये सारे का यहाँ पे नैवेद्य लगाया गया है। है उमर ने आरू चल बाहर चल चल और आप लोग यहाँ पे आरू की बदमाशियां देख सकते हो। ये छू तो कुछ भी नहीं रही थी बट फिर भी सामने सामने वहां चली जा रही थी। डर होता ही है क्योंकि छठ पर्व जो है वो स्वच्छता का पर्व है, सबको साफ सफाई के साथ होनी होती है और ये गंदे हाथ वहाँ चली जाती थी। बच्ची है ना, हमेशा कुछ ना कुछ मुँह में ही डालते रहती है, हाथ गंदे ही रहते हैं उसके, इसलिए हम लोग उसे दूर रख लेते कि वो छू ना दे। वैसे वो छूती तो नहीं है बिल्कुल भी। छठ बिना छठ सॉन्ग के तो अधूरा ही रह जाता है, मज़ा ही नहीं आता है, तो इसलिए हम लोगों ने छठ सॉन्ग लगा दिया था पवन सिंह का, जैसे कि यहाँ पे टीवी पे चल रहा है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा ये सब कुछ हो जाता है। तो खूब भयंकर भयंकर हाथ पोछ दलिए।
छोटो बना छोटो छोटो इनके बारे में बंद कर देंगे फोटो तू लो लिए और अब ये मैं प्रसाद बांटने के लिए यहाँ पे प्रसाद लगा के रख रही हूँ। लोग आएंगे तो उनको देते जाना होगा, इसलिए पहले ही मैं प्रसाद ट्रे में रखते जा रही हूँ यहाँ पे। और ये है हमारा प्रसाद जो कि बांटने के लिए हम लोगों ने बनाया है। शांति खाए चाहे नहीं खाए वो नौटंकी उसको करना है जिद्दी महा चम्मच में लगवे तो मेरे को तो दाना नहीं जाए थी मोर बिचारी के हेलो फ्रेंड्स आंटी को बोल रहा हूं प्रणाम कर प्रणाम तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तो कल क्या है, कल पहली अर्घ है, यही संध्या अर्घ है, तो मिलते हैं कल संध्या अर्घ के टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। Thank you.